हमारी गुड़िया रानी मायूस का है बेटी? आज क्या करेंगे माँ? का? हमने कहा आज हम क्या करेंगे? इसके आगे का बोले? माँ, हम का सोच रहे हैं कि हम अपनी बिटिया रानी को लेकर के ना बजा जाते। देखो हमें पानी से कितना डर लगता था, फिर भी हम स्विमिंग सीख रहे हैं ना। तुम स्विमिंग सीखने जा रही हो? नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया, क्या हाल चाल है तुम्हारे? बस काम की भागा दौड़ी में घिस रहे दीदी, और का? अच्छा ये लो आपका नया स्टॉक और ये रही हिसाब की पर्ची। अरे भैया हिसाब किताब अपना सब होता रहेगा। सुनो हम थोड़ा चाय लेकर के आते तुम्हारे लिए। मंगा देते सुनो दीदी, आप चाय पीने की फुर्सत कैसे है? ऊपर से कंपनी वाले खून चूस रहे हैं। सुबह से निकलते हैं हम 100 के लिए, रात को 2 नहीं मिलते। हम जानते भैया आप लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, पर वो हम क्या कह रहे थे ना, आपका हिसाब किताब हम कुछ दिन बाद दे तो। काहे कुछ दिन बाद काहे? और हम अपने मैनेजर को कहा देंगे? नहीं नहीं भैया, ऐसी कोनो बात नहीं ना है। वो कहा है कि ये महीना ना घर खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया है, ऊपर से त्योहार का खर्चा, ना बिक्री ना मुनाफा। देखो दीदी, जब तक हमें हिसाब का कुछ पैसा नहीं मिल जाता ना, तब तक हम आपको और सामान नहीं दे सकते। ठीक है, हम ये सामान भी लेके जा रहे हैं वापस। पता नहीं क्या मजाक बना रखा है। शांति, 100 ग्राम जीरा और 1 पैकेट खड़ा धनिया दे। जीरा तो नहीं है दीदी। धनिया? धनिया भी खत्म है, हम एक आधा दिन में मंगा देते हैं। अरे तो क्या हम एक आधा दिन खाना नहीं पकाएंगे? अरे होता है दीदी, कभी कभी स्टॉक आने में थोड़ा देरी हो जाता है ना। अरे लगता है तुम्हारा स्टॉक लेट ही है। हम लाला की दुकान से ले ले। अरे पर भर का सबर नहीं है, पत्ते भर का सामान चाहिए और बात तो ऐसा कर रही है जैसे लाला का दुकान खरीद। माँ देखो आपने हमें जो नई फ्रॉक दी थी वो हम पर कैसी लग रही है? ये पहन के तो तुम एकदम परी लग रही हो। थैंक यू माँ, आपने हमें नई फ्रॉक दी और आप पीटीएम में हमें माँ बन के हमें मदद की, तो हमने सोचा कि हम आपके काम में थोड़ी हाथ बटा ले। तो तुम कैसे करोगी? आप ही कुछ बताओ ना माँ, आप जो बोलेंगी हम आपके बात मानने के लिए तैयार है, और आप हमें कुछ भी इनाम भी दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। अच्छा ठीक है, ई लियो कलम, ठीक है, और ई लियो टेप। अब जो सामान हम निकाल के दे रहे हैं ना, वो सामान देख करके उसका नाम लिख करके वही डब्बा में उसको चिपकाए दो पर्चा की तरह। ठीक है, ई लियो रखो, ई लो। ठीक है, तुम एक काम करो, हम अभी सामान अंदर से लेकर आते, ठीक है ना? अरे सुनो बिटिया, बुरा मिलेगा क्या? हाँ भैया बोलो। मुझे 1 किलो बुरा चाहिए, मिलेगा क्या? हाँ हाँ काहे नहीं मिलेगा। कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। अरे क्या बात कर रहे हैं भैया,
शांति के दुकान पे सब एवन सामान मिलता है कि नहीं? एवन? अरे ये क्या तोल रही हो आप? बुद्धिका? ये भाई 8 साल से ये दुकान चला रहे हैं, ठीक है ना? आंख बंद करके भी सामान देंगे ना तो सही सामान देंगे हम। हाँ, आंख बंद करके आप सामान देते हो, इसलिए तो ये बुरा और आटे में कुछ पता नहीं चलता आपको। आटा? वैसे आंख बंद करके सामान बेचोगी ना तो कोई नहीं आएगा यहाँ पे राशन वशन खरीदने, फिर यहाँ से दुकान हटा के ना बाकी औरतों की तरह सिलाई बुनाई और चुगली। महेंद्र बाबू, अरे बिटिया कैसी हो? अच्छी अच्छी हो, बहुत बढ़िया। हीरा भैया तुम यहाँ? ये नटखट कोई फिर शैतानी करके आई है का पिंकी? चाचा को परेशान करके आई? नहीं नहीं, शैतानी काहे करेगी, तो बहुत ही प्यारी बच्ची। हमको आपसे कुछ बातचीत करना था इसलिए हम आए। भैया आप पूछे और हम न बताए, चलो बैठ के बात कर लेते हैं। हाँ हाँ बैठ के बात। जाओ बेटा चाचा के लिए पानी लेके आओ। हाय आओ भैया आ जाओ। अरे भैया दरअसल आपकी एक सिलसिले में राय चाहिए थी। अरे तो भैया हुकुम करो ना। भैया वो कहा है ना, हमको अपनी गुनगुन बिटिया को तैराकी सिखाना है और वो बड़े बड़े क्लब में बड़ा बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ है, उनमें पैसा देना उनकी तो हैसियत है नहीं हमारी, तो हम सोच रहे थे कि आपसे इस बारे में जरा बातचीत कर लें। वो कहा है कि तैराकी सिखाना कोई मुश्किल नहीं है पर भैया पैसे वैसे की चिंता मत कीजिए, जितना हमसे बन पाएगा हम करेंगे, आप सिर्फ गुनगुन को तैराकी सिखाने का इंतजाम करवा दीजिए। हम ये सोच रहे हैं भैया कि का अपने यहाँ की लड़कियों को कोई तैराकी सिखाता है का? बुरा ना मानना, गुनगुन बिटिया भी हमारी पिंकी बिटिया की तरह है, अगर तैराकी सीख भी गई तो कौन सा झंडा गाड़ लेगी, आखिरी में तो उनको करना चूल्हा चौका ही है ना। अब बस्ती के लोग ताने मारेंगे सो अलग। आप कहना क्या चाहते हैं भैया, मतलब क्या है? मतलब नहीं समझे, वो अपनी पीछे वाली गली के शुक्ला जी अपनी लड़की को भेजते थे उछल कूद करने। अरे वो कलाबाजियां सीखने जाती थी, कितने छोटे कपड़े इतनी इतनी सी चड्डी पहन के जाती थी, अरे कितनी किरकिरी हुई थी। वो तो समय रहते उन्होंने लड़की को संभाल लिया और सबसे माफी मांग ली, वरना पूरे समाज ने उनका हुक्का पानी बंद करने की ठान ली थी। समाज का क्या है भैया, वो तो किसी को भी चैन से जीने नहीं देती। समाज का सोचेंगे ना तो हमारी बिटिया भी जाएगी और हम भी। लेकिन भैया देख के मक्खी कोई नहीं निगलना चाहता है, एक तो अपनी बिटिया को अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करा दिए हो और अब ये नया चोचला सिखाने की बात कर रहे हो। देखो भैया हम यहाँ तुमसे बहस करने तो आए नहीं, तुम 2 मिनट हमारे साथ बैठ के बतिया लिए वो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तुम्हारी बिटिया थोड़ी बड़ी होगी ना तुम्हारी आंख में आंख डाल के तुमसे पूछेगी कि पापा लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका का ही नहीं मिलता, उस दिन अपनी बिटिया की आंख में आंख डाल के देख नहीं पाओगे, समझे? चलते हैं, जय भोले शंकर। क्या हम पूछ सकते हैं कि गुनगुन बिटिया को नई फ्रॉक किस खुशी में दिलाए हो? हाँ तो क्या हो गया, हमारा मन था हम दिला दिया।
बड़ी सुंदर फ्रॉक है, गुनगुन बेटिया बहुत खुश है। अच्छा सुनो, हमें ना तुमसे कुछ बात करना था। हाँ बोलो। हमारे राशन का जो पैसा चुकाना है तुमको, अगले महीने देंगे तो चलेगा क्या? क्या है ना, गुनगुन बेटिया को तैरना सिखाना है, तो हम जहां भी पता करने गए, जहां भी पूछने गए, क्लब विलब होता है ना स्विमिंग पूल, जहाँ पे बच्चों को तैरना सिखाते, तो उनका फीस बहुत ज्यादा है। तो अब पैसा भरने के बाद हमारे पास कुछ ज्यादा बचेगा नहीं किसी को देने के लिए, तो इसलिए तुमसे पूछ रहे थे कि। हाँ तो हम तुमसे कुछ मांगे है का? कोनो परेशानी नहीं है, जब होगा तब दे देना। का है कि हमारे पास भी कुछ खासा पैसा नहीं, नहीं तो हम तुम्हारी मदद कर देते। अरे शांति, काय शर्मिंदा कर रही हो, हमको पहले ही तुम्हारा बहुत पैसा चुकाना। अच्छा एक काम करो, हिसाब देख के बताओ ना हमारा बकाया कितना है तुम्हारे। अरे वो का है ना तिवारी जी, एक पूरे मोहल्ले में तुम ही तो हो जिसको हम उधार देते हैं। जाओ जाओ, रहे दो, तुम भी का याद रखोगे। तो हम भी चुका देंगे ना। अच्छा अभी गुनगुन को लेके जा रहे हैं। महेंद्र बाबू आप इस समय? हीरा भैया हमें माफ कर दो, हम आज आपको बहुत उल्टा पुल्टा बोल दिए। अरे भैया माफी की कोनो बात नहीं है। तुम्हारी बात हमारे दिल में भाग गई। हमरा कोनो हक नहीं है कि हम अपनी कमजोरी इन बच्चों के ऊपर थोपे। हम उनको खूब पढ़ाएंगे, खूब लिखाएंगे, दुनिया को जो सोचना है सोचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम खुद गुनगुन बिटिया को तैरना सिखाएंगे और गुनगुन बिटिया ही नहीं, हम साथ में पिंकी को भी सिखाएंगे। अंदर बाबू हमें आपसे यही उम्मीद थी। बहुत बढ़िया, हम कल से इन दोनों की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ठीक है भैया। ठीक है भैया, राम राम। राम राम भैया। ठीक है भैया, ध्यान रखो। ठीक है भैया, जय बोले। अंदर भैया बात सुने हो क्या? जो हीरा है ना, हीरा लाल, समिति बना रहा है वो। जिस किसी को भी चंदर से दिक्कत है वो हमारे पास आए। भैया एक बात कहें, हमको लगता है उनका नजर आपकी कुर्सी पर है। देखो भैया, हीरा लाल एक शरीफ आदमी है, उसे पॉलिटिक्स वाले काम होने से है, और ये समिति जो है देखता हूँ क्या हालत। लेकिन भैया उस पर नजर रखना भी तो जरूरी है। उसके साथ बहुत सारे ऑटो वाले हैं। उसको क्या पिला रहा हूँ मैं, तो रखना नजर। अरे भैया हम आपके अलावा और किसके साथ हो सकते हैं भैया? थैंक यू भैया। पानी में तैरना नहीं है, ये आसपास देखो ना कितना गंदगी है, पानी भी गंदा हो गया होगा। अरे हीरा भाई तो शुरू से ही ऐसा ही है, और हम भी तो इसी में डुबकी लगाते हैं। अरे भैया डुबकी लगाते तो गलत करते हो,
अरे भैया ये गंदगी के कारण ना जाने कितनी बीमारी होगी मैं। अरे बिटिया अंदर जाएगी ना तो बीमार होके बाहर निकलेगी। आसपास का जगह देखो कचरे से भरा हुआ। हमारे टीचर कहते हैं कि हमें अपने आसपास की चीजें साफ रखनी चाहिए। एक मिनट, क्या कर रही हो? अरे भैया ये गुनगुन बिटिया क्या कर रही है? जो हमें रोज करना चाहिए भैया, साफ सफाई। जरा सोचो भैया, ये पानी जो है वो आसपास की बस्ती में जाता है, वहां के बच्चे ही पानी पीते हैं, उससे नहाते हैं, न जाने कितना बीमारी फैलता होगा उससे। हम भी कितने खुदगर्ज हो जाते हैं भैया, अपने फायदे के लिए किसी और चीज की परवाह ही नहीं करते। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारे पास सब कुछ होगा, लेकिन पीने के लिए स्वच्छ पानी और सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा ना होगी। ये तालाब हमारा है ना भैया, ये तालाब का पानी हमारा है, तो इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। हम कल ही नगर निगम के दफ्तर जाएंगे और इस तालाब की सफाई की अर्जी देके आएंगे। सफाई का दफ्तर कौन सा है वो ढूंढना पड़ेगा, यहाँ देखते हैं कहीं कहीं बोर्ड लगा है। अरे भैया भैया, अगर इस शहर में साफ सफाई करवाना हो तो किससे मिलना पड़ेगा? अरे आप इधर किधर घुसे चले आ रहे हो? वो मुख्य अफसर का ऑफिस दूसरे माले पे, वहां चले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जाना कहाँ से? ये इधर से। जय बोले सर। आओ तो ठीक है, हम आओ। पूजा पाठ खत्म हो गया तो बस्ती के मसले निपटा ले। साफ साफ कहो ललन, बात क्या है? अब बाकी सब तो ठीक ही है काका, लेकिन वो जो शांति है ना, वो माहौल खराब किए हुए। अरे वो शांति ऑटो वाले के साथ खुल्लम खुल्ला घूम रही है। अब आपको तो मालूम है काका कितना ईमानदार सच्चे अच्छे लोग है, ये सब देख के गर्दन नीचे हो जाती। देख ललन, अभी और भी बहुत सारे काम हैं। नौमी के उपवास आ रहे हैं, उसका सारा इंतजाम करना है। तू चिंता मत कर, शांति को तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल तू सब्र से काम ले। ठीक है काका, आप जैसा सही समझो। हमारा काम था आपको इतला करना, हमने इतला कर दिया, बाकी आपको जैसा सही लगे। चले काका, बाय लोग, चल चुट्टा। शांति देवी। अरे हमारे भोले भंडारी, काहे टाइम के टेस्ट हुआ को वेस्ट हुआ कर रहे हो? अरे वहां गंदगी आज से नहीं है, बहुत सालों से है। इंग्लैंड तो है नहीं, जो हर चीज टिप टॉप हो। काहे इंग्लैंड नहीं है भैया, क्योंकि हम बनने नहीं थे। माना कि कई सालों से हम गंदगी में, लेकिन जानबूझकर वही गलती वापस दोहराए, ये में कोई समझदारी है का? है? अरे भैया आधे से ज्यादा बीमारी जो है ना वो गंदगी और कचरे की वजह से ही होती है, ये तो जानते हो कि नहीं? गुरु ठीक है, हमने तुम्हारी ये बात मान ली। हमको ये बताओ, पूरा शहर गंदा है तो क्या पूरा शहर साफ करने का ठेका लोगे? काहे बात का बतंगड़ बना रहे हो? अगर हर आदमी अपने मोहल्ले की साफ सफाई का ठेका ले ले तो शहर तो अपने आप साफ हो जाएगा ना। बाबू आपका नंबर आ गया, जाओ। शुक्रिया भाई, चलो काम पे लगे। हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ बैठिए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जय भोले शंकर साहब, आपसे तनिक थोड़ा काम था। वो कहा ना, कल हम वो टंकी चौराहे के पीछे वाले तालाब पे गए थे। साहब जी बुरा ना मानिएगा, उस तालाब के आसपास ना बहुत ज्यादा गंदगी हो गई और इतना कचरा हो गया कि पानी कम है, कचरा ज्यादा नजर आ रहा है, और वही कचरा पानी में गिर के पानी को बहुत दूषित कर रहा है। तो हम बस चाहते हैं कि आप जरा उस तालाब पे थोड़ा ध्यान दें। मतलब अब तुम हमें बताओगे कि हमें कहां ध्यान देना और कहां नहीं? भाई यहां हम शहर साफ नहीं कर पा रहे,
और तुम्हें तालाब की पड़ी है। अरे भाई वो तालाब है, गंदा ही रहता है। अरे नहीं भैया, वो काहे ना, वो तालाब से ही पास की बस्ती में पानी भी जाता है और वहाँ मछुआरे मछली भी पकड़ते हैं और बस्ती के बच्चे भी कुछ नहाने भी जाते हैं वहाँ पे। भैया अगर वो तालाब साफ नहीं हुआ ना तो बहुत ज्यादा बीमारी फैल सकती है। सिर्फ उतना ही नहीं, उन मछुआरों का काम भी चौपट हो सकता है। देखिए पिछले 15 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे मालूम है कब कहाँ क्या साफ करना है। अब तुम बेकार में मेरा टाइम बर्बाद ना करो। अगर वहां पे सफाई की हम जरूरत समझेंगे तो जरूर करवा देंगे। अब तुम निकलो यहाँ से। लौट के बुद्धू नगर पालिका के दफ्तर को आए। अब क्या करना है बोले? जिन्हें कुछ करना चाहिए था उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा।